प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पांचवी वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत इस कोरोना संकट से अपने आप को बचाने में काफी हद तक सफल रहा है। इस मामले में राज्य ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि यदि दो गज की दूरी कम हुई तो संकट बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन लागू करने में सभी पक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट गाँव तक न पहुँचे, ये इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को कोरोना के 4213 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 67152 हो गए हैं। फिलहाल 44029 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर लोगों को आगाह किया है कि कोरोना के लक्षण छिपाने नहीं चाहिए, लोगों को खुद खुलकर सामने आना चाहिए। देश में 20917 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 31.15% हो गया है। पिछले 24 घंटे में बीएसएफ के 6 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से एक त्रिपुरा और एक दिल्ली से है, बाकी के जवान कोलकाता से हैं। उनका इलाज कोविड हेल्थ केयर अस्पताल में चल रहा है। रेलवे 12 मई यानी मंगलवार से मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेनों के अलावा 15 विशेष यात्री ट्रेनें चलाएगा। ये सभी ट्रेनें एसी कोच वाली होंगी, इसमें किराया भी ज्यादा लगेगा। इन सभी ट्रेनों का संचालन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से होगा, जो भारत के 15 शहरों तक यात्रियों को पहुंचने में मदद करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कुछ सावधानियों की लिस्ट निकाली गई है, जिसका पालन रेलवे स्टेशन पर हर यात्री को करना होगा। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, कन्फर्म टिकट, मास्क पहनना जैसे जरूरी दिशा निर्देश जारी हैं। हालांकि सोमवार शाम 4 बजे बुकिंग शुरू होते ही IRCTC की साइट क्रैश हो गई। कोरोना संकट के बीच सरकार ने 668 विशेष ट्रेनों के जरिए 5,00,000 प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया है और रविवार को 101 स्पेशल ट्रेन चलाई है। नई दिल्ली से जम्मू तवी के लिए पहली स्पेशल ट्रेन 12 मई की बजाय 13 मई को चलाई जाएगी, जिससे प्रशासन को आवश्यक इंतजाम करने में सहूलियत हो। इतना ही नहीं, वंदे भारत मिशन के तहत 4,000 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 81 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद ये आंकड़ा 200 के आसपास पहुंच गया है, जिसको लेकर सरकार की चिंता बढ़ने लगी है। जेल के अंदर ही क्वारंटाइन वार्ड बनाए गए हैं, जिससे ये संक्रमण और आगे ना फैले। हालांकि इस मामले में एहतियात बरतते हुए पहले ही जेल से कुछ कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। अभी यहां 26 जेल अधिकारियों के साथ 158 जेल कैदी कोरोना संक्रमित हैं। जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि खुफिया विभाग को मिली एक जानकारी के मुताबिक आतंकवादी रमजान के 17वें दिन को किसी बड़े आतंकी हमले के लिए चुन सकते हैं, क्योंकि 17वां रमजान जंगे बदर की लड़ाई का दिन है। खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बाद पूरे कश्मीर घाटी को अलर्ट पर रखा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए पूरी चौकसी बरती गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट का समापन अब लगभग तय है। सोमवार को ठाकरे ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्यता की उम्मीदवारी के लिए नामांकन कर दिया। इसके बाद उनका निर्विरोध MLC निर्वाचन होना तय है। कांग्रेस के एक प्रत्याशी का नाम वापस लेने के बाद MLC के लिए नामांकन करने वाले ठाकरे समेत सभी 9 प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। बता दें कि राज्य में विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 21 मई को चुनाव होने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फिलहाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हैं। सोमवार सुबह एम्स हॉस्पिटल ने उनसे जुड़े हेल्थ अपडेट में बताया कि मनमोहन सिंह की हालत फिलहाल स्थिर है। उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। एक नई दवा लेने के बाद रिएक्शन होने की वजह से उन्हें रविवार रात एम्स में भर्ती कराया गया था। 87 साल के मनमोहन सिंह को कार्डियो थोरेसिस वार्ड में निगरानी में रखा गया है। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने पोखरण परीक्षण को लेकर मन की बात में हुए जिक्र का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 1998 में पोखरण में हुए परीक्षणों ने दिखाया कि कैसे एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। साथ ही कहा कि आज दुनिया को COVID-19 से मुक्त बनाने में तकनीक मदद कर रही है। मैं कोरोना वायरस के हराने के तरीकों पर अनुसंधान और इनोवेशन में सबसे आगे उन सभी को सलाम करता हूं।
मार्च में प्रीमियम नहीं चुकाने वाले ग्राहक अब 31 मई तक प्रीमियम चुका सकते हैं। IRDAI ने पहले उन पॉलिसी के प्रीमियम में 30 दिन की एक्स्ट्रा छूट लेने की घोषणा की थी जिनका प्रीमियम भुगतान मार्च और अप्रैल में होना था। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने भी लॉकडाउन पीरियड में आने वाली हेल्थ और मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में छूट दी है। पॉलिसी होल्डर 15 मई तक पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं।